एवरी वन कैसे है आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत होंगे और मैं रेडी हो चुकी थी फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि आज मैंने ना कौन सा ड्रेस पहना है अच्छा मैंने आज बाल थोड़े अपने खुले रख दिए अब मैं जा रही हूँ शाबानाबाजी की तरफ सलार को भी तैयार कर दिया भाजी भी रेडी हो चुकी है शबाना शबानाबाजी की तरफ जाके वहाँ पर वहाँ से उनके तरफ जाएंगे क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी नहीं जा सकी तो शबाना शबानाबाजी के घर से फिर हम लोग शादी हाल तक जाएंगे आज वलीमा है तो वलीमे का इवेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अच्छा मैं कैसे लग रही हूँ मुझे बता दीजिएगा सब चीज़ें पीछे बिखरी हुई है क्योंकि रेडी हुआ है आप घर पर जब मैं वापस आऊँगी ना जब सारी चीज़ें मैं तरीके से सारी सेट कर दूंगी जी अम्मी जी नहीं रखती हूँ रखती हूँ अच्छा मैं कंगा भी रख लूँ अम्मी की आवाज़ें आ रही हैं मैं जल्दी से चीज़ें रखती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ शादी हाल में जाके एमेंट्स आज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने ब्लॉग का आगाज कैसे करूं और आपको दिखा रही हूं शादी हाल में पहुंच चुकी थी कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप तैयार हों या आप इतने हैवी ज्वेलरी पहने बस आपका दिल करता है कि कोई सिंपल सा सलोन का ड्रेस पहनो और आप चल दें मगर जी ऐसा नहीं होता बाज़ा व शादी में आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस भी पहनने पड़ते हैं अगर आप सिंपल से चले जाएँ तो सबको ये एतराज़ होता है ये खुश नहीं लग रही अपनी ज़िंदगी से तो जी ऐसा भी कुछ होता है और फिर बस ये था कि मैं चली गई थी और बस यार रेडी शेडी हो गई थी और बस बाजी से कहा थोड़ी वीडियोस वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह मैं कर रही थी अच्छा इतनी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी तो मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा मेरी वॉइस को और अच्छे से मेरे ब्लॉग को पूरा इन्जॉय कीजिएगा बहुत मज़ेदार सी शादी थी हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हुआ इंट्री वगैरह सब कुछ हुई मगर मैं थोड़ी है ना आज भुजी बुझी, बुझी सी थी मेरी आज तबीयत थोड़ी नासाज थी और बस मैं लगी हुई थी बस सलार के साथ ही और शुक्र है मैं कस्त है सलार को साथ ले गई ना तो बड़ा एंजॉय मैंने सलार के साथ कर लिया सलार के साथ बस ये था कि मैं थोड़ा मेरा मूड बेहतर हो जाता है सलार को साथ रखो ना तो अक्सर ऐसा होता है अच्छा सलार का ड्रेस बताएं कैसा लग रहा है सलार का यही वाला ड्रेस अच्छा मुझे लग रहा है मैं छोटा आ गया यही वाला ड्रेस ना मैं अब चेंज तो करा नहीं सकती और उसको मैंने पहना दिया है उसकी शर्ट जो थी ना वो थोड़ी छोटी थी अम्मी ने कहा तुम सारे ही कपड़े छोटे छोटे लेकर आई जा रही हो जबकि मैं से किन लिए बड़े लेकर आती हूँ मगर जब मैं पनाती हूँ तो वो छोटे हो जाते हैं पता नहीं क्या मसला है तो ये सलार की पूरा ड्रेस आप देख सकते हैं पूरा लुक उसको देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था सब ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स आते हैं इस पर तो आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं सलार को लेकर अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे ढेर सारी खुशियाँ दें अल्लाह इसके नसीब से इतना दे कि इसको सारे जहाँ की खुशियाँ दे सकें आमिन सुन आमीन। और इसकी वीडियोस वगैरह बना रही थी सब इसको देख रहे थे और है न ये जब चल रहा था ना तो सब बहुत खुश हो रहे थे बाजी के साथ था कभी मेरे साथ था और ये हॉल्स इतना खूबसूरत सा था बहुत खूबसूरत सा ये हॉल था और फिर बस ये था कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही थी बाजी से बातें कर रही थी रिश्तेदारों से मिल रही थी और काफ़ी फैमिलीज़ हाँ, होती हैं मेरे कज़न की बेटी की शादी थी और बहुत अच्छी शादी रही बहुत इंजॉय किया अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें और सलार के साथ भी मैं थोड़ा इंजॉय करी थी कल परसों सलार को बारात में नहीं लेकर गई थी इसने अम्मी को भी काफ़ी परेशान किया था घर पे मगर सो गया था अब मैं ये था कि इसको साथ लेकर गई थी इसने कल मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया सलार को पता था कि मम्मा फिर दोबारा छोड़ जाएंगी इससे बेहतर यही कि मुझे तंग ना करे इसने गाड़ी में भी ज़रा तंग नहीं किया और इसने मुझे तंग नहीं किया अच्छा मैं ना ना मैंने अपने बालों को वॉश किया था बस जो परसों की जो आयरन हुई हुई थी ना वही मेरे बालों पे आयरन हुई हुई थी ना मैंने कोई हेयर स्टाइल लिया क्योंकि बज दफ़ा है ना बस ये था और फिर मैंने बाद में सोचा नहीं यार मुझे कम से कम करना चाहिए था मगर फिर मैंने खैर है मगर अच्छी लग रही थी ठीक लग रही थी भाजी ने भी कॉमेंट्स किया था हाँ ठीक लग रही हो अच्छी लग रही हो फिर ये था कि मैं वीडियोज़ देख सकते हैं आप ब्राइडल की जो बारात की वीडियोज़ वगैरह थी ना वो लगी हुई थी और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे वॉइस ओवर तो इसने करना पड़ता है कि भाई कापी राइट ना आ जाएगा क्योंकि पीछे में अगर सॉन्ग्स वगैरह होते हैं तो फिर वो कापी रॉइट आने का चक्कर होता है और सीन होता है अच्छा जी बहुत अच्छी शादी थी बाकी सबसे मिलना मिलाना था और कजन्स वगैरह थे खूब गाने शाने हो रहे थे इंट्रीज़ वगैरह की जा रही थी एंट्रीज़ वगैरह मैंने आपको नहीं दिखाई ये शादी में दो बरा दो वलीमे थे इस इवेंट के दो वलीमे थे तो बहुत अच्छे वलीमे रहे लड़ी, लेडीज़ के मुझे है ना ब्राइडल के ड्रेस भी बहुत प्यारे थे और ये कंप्लीट रू कैमरा देख सकते हैं ये शॉर्ट फ्रॉक था और मेरे ट्राउज़र था ट्राउज़र पे भी इस पर काम हुआ हुआ था तो मुझे बताएगा कि आपको मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है कलर कैसा लग रहा है और पेकअप मैंने है ना मेकअप तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेकअप कैसा बस है ना इतनी ठंड भी हो चुकी है कराची में तो यहाँ पे सूप आया था चिकन कॉर्न सूप बहुत अच्छा था मज़े का था तो बस मैं वो इंजॉय कर रही थी थोड़ा सलार को दे रही थी और सलार को मैंने ये दे दिया था आ, कि सलार आप ये फ्राइव टाइप का जो होते हैं ना पापड़ चापड़ तो ये उसको मैंने वो दे दिए थे वो सलार उसको चबाने में लगे हुए थे उसके दो तीन दांत आ चुके हैं तो वो उससे कटर कटर करने में लगे हुए थे मैंने कहा सलार आप ये खाओ मम्मा सूप देती हैं जब सूप थोड़ा ठंडा हुआ ना तो फिर मैंने इसको सूप भी दिया और फिर इसकी शरारतें शुरू हो चुकी थी माशा माशा सबके आवाज आ रहा था किसी लड़की का दुपट्टा खींच रहा था किसी की मैक्सी और किसी अंकल के हाथ या उनकी शर्टें खींचने में लगा हुआ था और माशाला इतनी शरारतें कर रहा था और माशाला बताएगा सलार का ड्रेस कैसा लग रहा है सलार का बच्चों को बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाओ ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और प्यारे लगते हैं तो मैं बच्चों की ड्रेसिंग में अच्छा मैं खुद भी क्रेजी थी अपने शुरू से ना अपनी ड्रेसिंग को लेके फिर जब मोहम्मद सलार हुआ तो मैं उसके कपड़ों को लेके बड़ी क्रेजी हूँ कि इसके शूज़ अच्छे होने चाहिए मैचिंग के होने चाहिए ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए मैं बहुत सोच समझ के सलार के लिए शॉपिंग करती हूँ और मैं अपने लिए भी बहुत सोच समझ के मगर अब जब बच्चा हो जाता है ना तो फिर माँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही अच्छा ये देखें कपल देख सकते हैं आप ये बनी के बहुत खूबसूरत से कपल थे पाक नसीब अच्छे करे और का हर लड़की के नसीब अच्छे करे तो बहुत प्यारा सा कपल था आज का व्लॉग यहीं तक था अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज अल्लाह निगबान बाय बाय